हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट मम्मा अफ्रीका इन गैबोन। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हम रहते हैं ओकोंजा में, ओकोंजा से हमें फ्रांसविल जाना है। तो हम चलते हैं और क्या क्या होता है आपके साथ शेयर होता रहेगा। तो एक दिन का स्टे है। तो ये बैग, ये ब्लर क्यों हो रही है यार? हाँ, अरे हो जा। हाँ, ये बैग, दो दिन के कपड़े हैं इसमें। तो हम चल रहे हैं, अभी जाएंगे, संडे घूमेंगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होती रहेंगी। और यहाँ पर हम इंडियन फूड किस तरह से खा पाते हैं, कौन हमें प्रोवाइड करता है, वो सारी बातें आपके साथ शेयर होगी। ये है मेरा लुक। तो हस्बैंड बोल रहे थे, अरे यार मेरे ऑफिस के लोग हैं, ये क्या पहना है, ऐसे बोलते हुए निकल रहे हैं रूम के बाहर बैग लेते हुए। इस सामने खड़ी है हमारी गाड़ी जो कंपनी ने हमें प्रोवाइड की है, और ये है हमारा हथियार लक्ष्मी जिससे हमें पैसा आता है भाई, मतलब वीडियो का स्टैंड है, कैमरा का स्टैंड है, सॉरी। तो चलो हम निकलते हैं, शाम का टाइम है, अंधेरा हो चुका है। ये ऑफिस से आने के लिए इनको लेट हो गया, नहीं तो आपको बहुत सुंदर से नज़ारा दिखाती बाहर कैसे है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग है पैदल चल रहे हैं, और यहाँ से टर्न लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर होती रहेगी। तो मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद, और वीडियो को फुल देखिए, प्यार देते रहिए। अरे यार 19-20 व्यूज से क्या होता है, थोड़ा सा हमारे ऊपर भी एहसान कर दो, अच्छे अच्छे व्यूज़ लाओ। बहुत मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, और बहुत गैप हो गया है। देखो सामने ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब ध्यान से देखोगे ना, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, फोग दिख रहा है ना ज़मीन पे। और यह है रात का टाइम। आवर्स की डिफ़िकल्ट जर्नी करते हुए अब हम पहुंच गए हैं, अभी बज गए हैं रात के 8:30। तो ये है फ्रांसविल सिटी, ये आपको मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी कैसी है, और मैं अफ्रीका में क्यों आई हूँ, क्या है, सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप बस वीडियो में बने रहिए, और आपको वीडियो कैसे लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, ताकि मुझे पता चले क्या चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं। बराबर ना। पिछली टाइम जो मिला था वही सेम रूम है, कूलिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। जादू जी यहाँ पर हंस रहे हैं अपनी स्माइल के साथ। करते वक्त हमने शूट नहीं किया क्योंकि इनके सर दिख गए थे, तो मुझे शर्म आ गई कैमरा स्टार्ट करने में। हम पहुँच चुके हैं, अच्छा रहा सफ़र, और मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन क्या हुआ, अंधेरा था, शूट ही नहीं कर पाई। ऐसा रहा अभी का सफ़र। तो रूम मस्त कुलकुल है, आराम करते हैं, मिलते हैं आपको सुबह, नहीं तो हम खाना क्या खाएंगे वो आपके साथ शेयर करते हैं। अफ्रीका में कैसा खाना मिलता है, मराठी चैनल पे मैंने शेयर कर चुकी हूँ, इंडियन फूड कैसा है, कौन बनाता है, सब चीज़ें शेयर करूँगी इसी वीडियो में, बराबर। हाँ, अरे आपका इंट्रोडक्शन कर दो ना, आप इस चैनल पर कभी बात नहीं की है। क्या है, कब ये कौन है, पहचानते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये है ट्रस्ट पापा, ये ट्रस्ट मम्मा। तो चलो मैं आपको बाहर का नजारा दिखा देती हूँ, फ्रांसविल सिटी कैसा दिखता है बाहर से। बहुत सुंदर नजारा है, बहुत ही बढ़िया। एसी चालू है यहाँ पे, इसलिए आवाज़ बहुत आ रहा होगा, लेकिन आप इतनी सुंदर सिटी, इतनी सुंदर, बहुत बढ़िया। ये जहाँ पर हम खाना खाने वाले हैं, और यहाँ पे हम प्लेट लेकर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं खाना खाने का, वही कुक, और अभी गरम गरम खाना लाएंगे और हम खाएंगे। मराठी चैनल पे मैंने बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ। और बहुत आवाज़ हड़ हड़ है हमारा।
ये है कंपनी का गेस्ट हाउस और कंपनी की तरफ से ही ये फूड है। कुक भी कंपनी का ही है और फूड भी कंपनी का है। और जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ पर भी कंपनी का ही कुक है और कंपनी का ही फूड है। फूड कंपनी की तरफ से ही है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी स्नैक्स जो भी है सब कुछ कंपनी की तरफ से। और ये अभी हम खा रहे हैं खाना, इंडियन फूड उन्होंने अरेंज किया है। ये सारा कुछ ग्रोसरी इंडिया से आता है और वो इतना टेस्टी फूड प्रिपेयर मेरे करता है। हस्बैंड माइनिंग इंजीनियर है यहाँ पर, जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं। यहाँ पर 3 माइंस है, तो 3 जगह पे 3 गेस्ट हाउस है, तो अलग अलग कुक है 3ों जगह पे। तो जिस जहाँ पर हम रहते हैं वो है ओकोंजा। ओकोंजा के गेस्ट हाउस में मैंने आपके साथ होम टूर वगैरह शेयर किया हुआ है, लेकिन वो मराठी चैनल पे है। अगर आप चाहो मुझे कमेंट करो तो मैं इस चैनल पर भी होम टूर शेयर करूँगी, कुक वगैरह सब कुछ दिखाऊँगी। ताकि रसगुल्ले राइस भी खत्म हो गया, खाना खत्म। अभी कोलकाता के रसगुल्ले खाएंगे हम। गुड मॉर्निंग सबको, अभी हो गई है सुबह, सुबह के 9 बज चुके हैं। लेकिन आपके जीजू की तैयारी जल्दी जल्दी नहीं होती। मैं रेडी हूँ एकदम से ब्रेकफास्ट के लिए, जाने के लिए रेडी हूँ। अब हमें घूमने निकलना है सुबह। मॉर्न फ्रांसविल किस तरह से दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर। चलो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं यहाँ से, मतलब नीचे ही जाना है, नीचे के फ्लोर पे। क्या क्या खाते हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर आज घूमने जाएंगे, वो वाले ब्लॉग भी आपके साथ शेयर होते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पर है पपाया और बनाना। तो बनाना मुझे आने के बाद बहुत दिनों बाद मिला। यहाँ पे बहुत सारे बनाना के ट्री मिलते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट को। यहाँ पे इंडियन ब्रेकफास्ट हम स्टार्ट किया, और हम अफ्रीकन फूड नहीं खा सकते। मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। ये लोग मिर्च मसाला वगैरह कुछ भी नहीं खाते, और हमारे जैसे मसाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं, और मैं तो नहीं खा सकती। तो यहाँ पर बना है उत्तप्पा और इडली चटनी, और फ्रेश जूस है। यहाँ पे पाइनएप्पल बहुत अच्छा मिलता है, तो पाइनएप्पल का फ्रेश जूस। यहाँ पर स्वीट भी दिया था इन्होंने हमें खाने के लिए। सुबह सुबह मस्त ऐसा इंडियन ब्रेकफास्ट हो गया है। ये है कुक, ये है बंगाली कुक। तो बंगाली लोगों के हाथों में तो ऑलरेडी स्वाद होता है, बहुत स्वाद है इनके हाथों में, और ये लोग स्वीट बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैं चलो दिखाती हूँ आपको हम क्या क्या खा रहे हैं। तो ये है चटनी, सांबार, उत्तप्पा, इडली। तो ये है बहुत बढ़िया सा, अभी पेट भर के खाएंगे क्योंकि हमें
लंच में बहुत देर हो जाएगी क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, संडे है तो घूमेंगे, तो हम नेक्स्ट दूसरे गेस्ट हाउस पे खाना खाएंगे आज, तो वहाँ पर भी क्या खाया वो भी दिखाऊंगी आपको। पीछे मस्त हिंदी गाने चले आए हैं मैंने, पुराने गाने, और गाने सुनते सुनते हम करेंगे ब्रेकफास्ट और निकलेंगे यहाँ से आगे। ये है फ्रेश जूस जो मैंने आपको बोला था, दही भी दिया था। हम घूमने के लिए आए थे क्योंकि आज संडे है, और ये है नेक्स्ट गेस्ट हाउस, कंपनी का ही है, यहाँ पर भी इंडियन कुक है, तो चलो हम गेस्ट हाउस कैसा है वो देख लेते हैं। जहाँ पर हम घूमने गए थे वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने बस यहाँ पे कौन सा इंडियन फूड हमने खाया और कहाँ कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे कंपनी ने अरेंज करके रखा है, यहाँ पे गेस्ट हाउस है कंपनी के, वहाँ पर जाकर हमने इंडियन फूड खाया, लंच डिनर ब्रेकफास्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जैसे हमने रात में पहुँचे थे तो मैंने आपको डिनर शेयर किया, अभी ब्रेकफास्ट मैंने खाया, अभी यहाँ पर मैं लंच करूँगी। लंच में मैंने खाया यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में दिखा रही हूँ कि यहाँ का गेस्ट हाउस कैसा है, गांव दिख रहा है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ में हमने ब्रेकफास्ट में खाया था पाव भाजी, बिरयानी और वेज पुलाव, मैंने पुलाव खाया था, यहाँ पे जो नॉनवेज खाते हैं उन्होंने बिरयानी खाई थी, रायता था, स्वीट सिवैया थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे खाना खाते वक्त ना हमारे साथ इनके ऑफिस के लोग थे, तो इसलिए मैं शूट नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता। बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये उसी गेस्ट हाउस के बाहर है जब हम घूमने गए थे, वहाँ की सारी जो रिकॉर्डिंग है मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो अंदर से दिखा देती हूँ और उसके बाद वीडियो के एंड करते हैं। वीडियो कैसे लगा प्लीज़ बताना, अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ये है अंदर से गेस्ट हाउस कैसे लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।